अभी हम आज के वचन को सुनेंगे जो बहुत पावरफुल है, क्योंकि पिछले थर्सडे मैं सब लोगों को यह सिखा रहा था कि बाइबल में कितने प्रबंध है। वो बड़ा वचन था, अब मैं सारा तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर वो पार्ट आप सुनोगे तो ये पार्ट समझ आएगा। कितना जरूरी है ना, तो वो पार्ट सुनना है। तो उसमें मैंने पांचवा प्रबंध है ये वाला आज जो हम आपको बता रहे हैं। ये इस समय दुनिया के ऊपर जो पांचवा प्रबंध है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रबंध, ठीक है। तो यीशु मसीह ने आकर व्यवस्था को पूरा किया और हमारे लिए एक पावरफुल अद्भुत प्रबंध को लागू किया, वो है पवित्र आत्मा का प्रबंध। ये क्यों परमेश्वर के वचन से समझना हमने, क्योंकि इसी से आपका विश्वास, आपकी डायरेक्शन, आप सही रीति से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जी सकोगे, वरना नहीं। अगर ये विषय आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इस पावरफुल प्रबंध के बारे में बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में, क्योंकि मैंने व्यवस्था के प्रबंध के बारे में बता दिया था थर्सडे कि जिसमें परमेश्वर ने वो प्रबंध इसीलिए दिया था, उसके उसमें बहुत सारी चीजें थी, उसमें कई ऐसी रीति रिवाज था जो अब क्रिश्चियनिटी नहीं करती, और बहुत सारी क्रिश्चियनिटी उसमें रीति रिवाज जो है करती भी है जो करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण उन्हें पता नहीं है, उन्हें अच्छे से समझ नहीं है, इसीलिए वो करते। लेकिन कुछ और भी रीति रिवाज हैं जो आज भी क्रिश्चियनिटी में यूज करते हैं, खास करके पेंटिकॉस्टल चर्चेस के अंदर। तो क्या वो इस समय है, उसका करने से क्या बिलीवर के ऊपर असर पड़ सकता है, उससे वो आत्मा का जो विषय है पवित्र आत्मा का, वो फिर अच्छे से समझ नहीं पाएगा। याद रखना, पवित्र आत्मा में जो चलना है वो सीख नहीं पाएगा अच्छे से अगर वो रीति रिवाज करता रहेगा। क्योंकि इस समय जब प्रबंध ही पवित्र आत्मा का है तो दूसरी चीज करने की जरूरत है, बोलो नहीं ना। तो आपको इस प्रबंध के बारे में मैंने आज बताना है कि ये प्रबंध कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है, इस प्रबंध का सही मीनिंग क्या है। तो इससे पहले मैं आपको बाइबल में सीधा ले जाऊंगा जल्दी जल्दी, अफीसियों के बुक में, ठीक है। और वहां पर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा जो इस प्रबंध के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग अफीसियों 3:1-6 तक पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। क्या लिखा यहां पर, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो। तो बात आ गई ना यहां प्रबंध की, किसने किया ये प्रबंध आप लोगों के लिए अनुग्रह का। इस समय जो अनुग्रह का प्रबंध है, पवित्र आत्मा का प्रबंध है, यह परमेश्वर का प्रबंध है, इसे आपने समझना होगा, ठीक है। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, आमेन। तो यहां पर क्लैरिटी दे दी मैंने कि परमेश्वर का प्रबंध, जिसमें परमेश्वर ने एक बड़ा अनुग्रह किया कि पवित्र आत्मा के प्रबंध को लागू किया मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए। अगर इसका हम 9-12 तक पढ़ते हैं, इसी का 3 तो क्या लिखा यहां पर, 9 से लिखा, और अगर हम थोड़ा सा ऊपर भी पढ़ते 8, तो आप लोगों को 7 पढ़ते तो और अच्छा समझ आ जाएगा।
मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हो, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। सुनो, ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये बातें थोड़ा सा आपको, ये बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें, पावरफुल बात, ठीक है। तो यहां पर परमेश्वर का दास को परमेश्वर अपना वचन दे रहा है हमारे लिए, सबके लिए। वो कह रहा है परमेश्वर के अगम्य धन का सुसमाचार का, जो उसने वो कहता प्रकाशन के द्वारा मेरे ऊपर प्रकट किया, ये अनुग्रह का प्रबंध, पवित्र आत्मा का प्रबंध। तो वो कहता है ताकि अब कलीसिया के द्वारा, तुम लोग कौन हो, पास्टर की बात नहीं हो रही, पूरी कलीसिया की बात हो रही है। अगर तुम लोग इस विषय को अच्छे से सीख नहीं पाए तो हमेशा अपनी जिंदगी में निराशा में रहोगे, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये हालात, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ठीक हो गया, कभी अच्छा हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। क्या क्या ये तो फिर वो वचन सिखाया गया, परीक्षा ले रहा है परमेश्वर, यीशु मसीह में दुख आने हैं, ये तो सहने पड़ेंगे, ये तो फिर वो ठीक है, करते रहो जैसे बाबा लोग कहते हैं। अरे, हालात दो प्रकार के हैं, एक वो हालात है जो आपको नहीं आने चाहिए, जो आपके लिए नहीं है, दो प्रकार के हालात है। एक वो हालात है जो आने हैं, जैसे आपका विरोध होना है, ये हालात है, लोगों ने आपको बातें करनी, ये हालात है, गालियां निकालनी, सुसमाचार बांटने के समय आपको पकड़वाना है, गलत कहना है, ये हालात है। ये तो होना है, लेकिन ये नहीं है कि आपके घर में क्लेश रहे, आप लड़ाई करते रहो, कभी ये बीमारी, कभी वो एक्सीडेंट, कभी ये नुकसान, कभी वो नुकसान, कभी वो हो गया, कभी ये हालात आपके लिए नहीं। बोलो, अब समझना पड़ेगा कौन से हालात आपके लिए है और कौन से नहीं है। लेकिन अब यहां बात हो रही है, परमेश्वर कहते हैं ताकि वो प्रबंध, पवित्र आत्मा का प्रबंध, जिसके द्वारा कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर प्रकट किया जाए, मतलब शतान और उसकी सेना के ऊपर। लेकिन तुम लोगों को इसकी एबीसी भी नहीं पता, क्या प्रकट करना है, ज्ञान क्या करना है, क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा के प्रबंध के द्वारा होना था ना। तो पवित्र आत्मा, यहां तो लोग पाने के बाद भी गाने गाते हैं, पवित्र आत्मा आ आ, फिर कह रहे हैं उसको सॉन्ग्स में, जब वो आपके पास है उसको आने के लिए क्यों इनवाइट कर रहे हैं, जब आपके अंदर है, क्लैरिटी नहीं। बोलो, आज भी लोगों को पवित्र आत्मा मांग रहे, पता नहीं कैसे मिलना है, क्योंकि सही डायरेक्शन बाइबल की पता नहीं, उस विषय में नॉलेज नहीं है। हालेलुया। तो ये विषय आप समझने की कोशिश करो। तो यहां पर परमेश्वर आपके द्वारा दुष्ट और उसकी सेना के ऊपर आपके लिए जो पावरफुल पवित्र आत्मा का प्रबंध है आपके लिए, उसके द्वारा ये ज्ञान प्रकट होना है। क्या ज्ञान प्रकट होना है? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी आत्मिक जिंदगी, ये प्रकट होनी है। आपका विश्वास पावरफुल
जो पवित्र आत्मा के द्वारा है वो प्रकट होना है। हालेलुया। आपकी शांति, आपकी अच्छी जिंदगी, बेस्ट जिंदगी, और आपके विश्वास से दुष्ट के काम खत्म, और लोगों को जीतना और उनकी जिंदगी से भी हालात खत्म, ये दुष्ट पर प्रकट होना है। हालेलुया। लेकिन जब ये पता ही नहीं पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे होना है, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के लिए जो प्रबंध है वो क्या है, ये पता ही नहीं, जब सिर्फ खाली नाम है पवित्र आत्मा का, खाली खाली, हाँ पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा, छोटी मोटी बातें पवित्र आत्मा के साथ, तो फिर ये नहीं हो पाएगा ना आपके लिए। तो इसीलिए इस प्रबंध को अच्छे से समझना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। 12 में लिखा 3:12 अफिसियों, आगे लिखा अधिकारियों पर स्वर्गीय स्थानों पर प्रकट किया जाए, 11 में लिखा उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। आमेन। उस प्रबंध के द्वारा आपको परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है कलीसिया को, तुम्हें पवित्र आत्मा का प्रबंध, जो अच्छा जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है वो आत्मा, और आपके लिए जो आत्मा अलग है, सोचो एक ही तो है, और मनुष्य को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं। अरे जो पवित्र आत्मा मुझ में होगा वही आपके अंदर होगा, अगर वो मुझ में होकर काम करता है तो आपके अंदर होकर क्यों नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें आगे आना पड़ेगा, तुम्हें सच्चे विश्वासी बनना पड़ेगा, तुम्हें अपनी देह की क्रियाओं को मारने के लिए आत्मा में चलना पड़ेगा। अगर 10 बजे संगति आती तो उससे 10 बजे के बाद तो कोई बंदा आना ही नहीं चाहिए, सारे बंदे पहले आकर बैठ जाने चाहिए। यह आत्मिक जिंदगी। हालेलुया। उससे पहले सब आकर बैठ जाओ, यह आत्मिक जीवन है। अगर ऐसा नहीं है तो शारीरिक जीवन, क्या तुम शरीर में रहना चाहते हो हमेशा, जो तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ कर रहा वो करना चाहते हो, या तुम आत्मा के साथ जीना चाहते हो। हालेलुया। तो अभी ये वचन के बाद आप लोगों को ये समझ आ गया कि परमेश्वर का जो इस समय प्रबंध है वो कितना पावरफुल है। हालेलुया। मैं चाहता हूं तुम खुद प्रार्थना करना सीख जाओ, तुम अपने परिवार के लिए हालात में परमेश्वर को बोलो तो हालात खत्म हो जाए, ऐसे वाले विश्वासी बनो। क्या ऐसे वाले बनना चाहते हो, या इस मनुष्य में जुड़कर भी पता नहीं कहां कहां से प्रार्थना करवाने वाले। वैसे बाइबल ऐसा नहीं कहती, ये तो ऐसे बन गया उन कमजोर लोगों के लिए जो हमेशा कमजोर रहे। बोलो वो क्या आपको लग नहीं रहा ये कमजोर है, आपको कमजोर रहना है या आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो अभी यहां पर ये तो क्लैरिटी मिल गई हमें, लेकिन अभी आप जानते हो भक्ति पूरी दुनिया करती है। वाई? पूरे संसार में हर देश में भक्ति हो रही, करोड़ों भगवानों की, करोड़ों तरह के भगवान है और करोड़ों तरह के तरीकों से भक्ति हो रही है। Why? क्यों करते हैं लोग भक्ति, उनके भक्ति करने का कारण क्या है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, या दुनिया का अंडरस्टैंडिंग समझ ये कहती है, ताकि वो भक्ति इसलिए करते हैं कि मरने के बाद उन्हें जीवन मिले। भक्ति का ये विषय। बोलो, अलग अलग डेरों में जाओगे वहां पर आपको भक्ति करवाते हैं, कोई नाम शब्द देते हैं, उस नाम शब्द को पूजा करो, उस नाम शब्द का जाप करो,
रेपिटेशन करो, रेपिटेशन, ऐसे बोलते जाओ दो तीन शब्द या पांच शब्द या चार शब्द जो भी उन्हें दिए गए हैं उसको बस अपने मुंह में जपते जाओ, जपते जाओ। इसे वो लोग भक्ति कहते हैं। कुछ डेरों के ये सनात है, कुछ लोग पत्थर तस्वीरों को पूजा करते हैं, मिट्टी की चीज, पत्थर की चीज, उसके ऊपर धूप दगाते हैं, अगरबत्ती दगाते हैं, कोई आगे दिया जलाते हैं, कोई आगे जोत जलाते हैं, ऐसी चीज को भी भक्ति कहते हैं। यहां बहुत सारे तरीके अलग अलग, पता है या नहीं, बहुत सारे गुरु संत महात्मा लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और लोग भक्ति करते हैं कहीं भी जुड़कर। बोलो क्या करके। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो सर्वशक्तिमान भक्ति किसको कहता है जिसने दुनिया रची? एक्चुअल भक्ति का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि ये इस प्रबंध के साथ अटैच है ये बात। हालेलुया, कितनी बड़ी बात, मैं नहीं जानता था, आप नहीं जानता था, और कितनी दुनिया नहीं जानती। सोच कर देखो, जीवन की बात है ये, जीवन की बात, कितनी पावरफुल बात है। और यहां पर लोग जो आ रहे हैं इतने पावरफुल परमेश्वर के पास आ रहे हैं और उनके अंदर ये सोच ही नहीं है कि मैं किसके पास जा रहा हूं, वो कौन है सृष्टि रचने वाला। वो इंग्लैंड से आ गए ये सोच से कि वो पावरफुल परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया, तुम्हें उतना बड़ा विश्वास में बढ़ना है अभी जितना जैसे मैं करता हूं। लेकिन अगर उतना विश्वास अभी नहीं है तो हां अगुए से प्रार्थना करा सकते हैं, लेकिन खुद भी हम बने रह सकते हैं प्रैक्टिकली, ये बात याद रखो। लेकिन इतनी दूर से आकर उस स्ट्रॉन्ग पावरफुल परमेश्वर की इच्छा में आकर चंगाई ले ली, देखो कितनी बड़ी चंगाई। छोटी चंगाई है, सिंगरैनी के रोग से आजादी लेना, सब चीजें हो सकती है। सुनो, मैं कल प्रार्थना में था और मुझे यहां पर कुछ लोगों की जिंदगी में जो दुष्ट आत्मा काम करता है, जैसे किसी के ब्लड की उल्टियां देता है, वो खून की कांच आता है मुंह से, आंख से कांच, मैंने आंखों से देखा, मैंने आंखों से देखा, शैतान लोगों के हार्ट बीट को बढ़ा देता है, उनके अंदर के सिस्टम को, बाथरूम को, टॉयलेट को बंद कर देता है, ऐसे खुल्लम खुल्ला वो काम कर रहा है सामने सामने। और जानते, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर देख तेरे सामने शैतान कुछ भी नहीं है, वो यीशु मसीह के पांव के नीचे, लेकिन वो अपना खुल्लम खुल्ला काम दिखा रहा कि मैं हूं। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आप उससे खरबों 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 से भी बढ़कर सामर्थ्य हो, तो आप खुल्लम खुल्ला आप भी दिखाओ मैं हूं, ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा था। और देखना मैं दिखा दूंगा वो चीजें, अगर दुष्ट कर सकता तो हम क्यों नहीं, हम परमेश्वर पर विश्वास करके क्यों नहीं कर सकते जबकि अवेलेबल है? अगर दुष्ट आग जला सकता है तो हम क्यों नहीं आग जला सकते, प्रकट करके दिखा सकते हमारा जिंदा खुदा है? जब एलिया ने कर दिया था ये काम, क्यों नहीं? सैमुअल ने कटनी के समय में, कटनी ऐसे पूले पड़े हैं, काटी हुई गेहूं पड़ी है, उसके ऊपर मेघ और ओले बरसा दिए और दिखा दिया कि जिंदा खुदा है। अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर अलग है, एक ही है, उसका विश्वास, उसका जीवन समर्पित था। वो उस युग में था जब ये इतना गंदा सिस्टम नहीं था जितना आज है, फोन पकड़ो पता नहीं खो जाओगे एक घंटा, ये वीडियो वो वीडियो भूल जाओगे तुम, स्पिरिचुअल हो, आत्मिक हो,
मुझे याद है जब मैं आज से 35 साल पहले बच्चा था, छोटा सा 7-8 साल का, तो उस समय लोग भोले थे। ये नहीं कि पाप नहीं था, उस समय भी चोरी था, झूठ था, गलत चीजें थी, लोग करते थे ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी भोले थे। जानते उस समय इतनी चीजें नहीं थी, इतना तेज युग नहीं था जितना आज है। लेकिन एलिया के समय सोचो, वो तो कितने हजार पुरानी साल बात है, तो उनका मन कितना खुदा के साथ था, उनको कोई संसार की चीज से मतलब नहीं थी। एलिया तो कपड़े भी हमारे जैसे नहीं पहनता था, वहां के लोगों जैसे भी नहीं पहनता था, वो तो चमड़े के कपड़े पहनकर, इतने बड़े बड़े वाल, उनको कोई लेना देना नहीं दुनिया से। उसको एक ही काम था, बस खुदा के लिए जीना, उसके राज्य के लिए जीना। इसीलिए वो ऐसे प्रकट कर पाया काम। हमें यहां से निकलते ही हम पता नहीं कौन कौन से दिमाग में बातें आएगी, यहां से निकलते ही कट गड्डी चो पुड़ी, ओ बड़ी तलब लगी तुम्हाको दी, बड़ी तलब सिगरेट कट, इधर बैठे बैठे ध्यान होते गड्डी चुना भी होते पई मेरी पुड़ी तमाकू दी, मेरा पैकेट पे सिगरेट। सोच कर देखो, किसी का कोई ध्यान है, किसी ने पता नहीं घूमने जाना है संडे शाम को, ये काम वो काम, ये चीजें, घूमना मना नहीं है, घूमो, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ ये काम करो, अपनी फैमिली के साथ करो। बोलो, अब खाना खाना जाते हैं किसी रेस्टोरेंट, जाओ पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी फैमिली के साथ, स्पिरिचुअल, मना नहीं करता खुदा। लेकिन अभी सीखो, एलिया का सारा मन परमेश्वर के ऊपर था, लेकिन हमारा मन है ऐसा, उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में अंतर है, मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी में भी अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं ये फर्क हट नहीं सकता, हट सकता है। मैं ऐसे बातें कर रहा हूं एलिया और मेरे बीच का फर्क हटाने के लिए, मैं उन बातों को सोच रहा हूं इसलिए मैं फर्क हटा सकता हूं, प्रैक्टिकल करके, आगे बढ़कर, आत्मिक चीजें करकर तुम एक अच्छे बिलीवर बन सकते हो, फर्क को हटा सकते हो, आगे आ सकते हो। अगर दुष्ट कांच निकाल सकता है, बंदों को ये कर सकता है, ऐसी चीजें कर सकता है हवा में सामने सामने, तो क्या खुदा सामने सामने नहीं कर सकता? तुम्हें बढ़ना होगा कलीसिया, तुम्हें ये दलेरी वाला ध्यान देना होगा, अपने मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रांग, हाँ मैं जीऊंगा खुदा के लिए, हाँ उसकी सामर्थ को मैं प्रकट, ऐसे ऐसे ध्यान फोकस बनाना पड़ेगा तुम लोगों को ये वाला। हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को भक्ति के बारे में, क्योंकि ये हमारे आज के टॉपिक के साथ अटैच्ड है, ये मैटर, ये टॉपिक। सुनो इधर देखो ध्यान से, मैंने बता दिया कि दुनिया लाखों करोड़ों की तरह की भक्ति करते हैं, इंसानों की, जानवरों की, मटेरियल की, तरह तरह के तरीकों से। ये दुनिया के तरीके, ये डेरों में बैठे बाबाओं के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जो इंसान जिनको संत महात्मा हम बोलते हैं उनके तरीके, किसी का कोई मैच नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये जो गुरु है संसार के डेरों के गुरु, अच्छा एक बंदा बीमार है, उसके सामने उस गुरु को खड़े कर दो, उस बंदे के अंदर कोई बीमारी है, खतरनाक वो बीमार हो गया है, क्या वो गुरु देखकर बता देगा कि इसके अंदर क्या बीमारी है? बोलो, नहीं ना, नहीं बता सकता, सच्ची नहीं बता सकता, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन साइंस गुरु वाओ, उनकी खोजें इतनी पावरफुल उन्होंने की कि उनका एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन, आपकी बॉडी अंदर बीमारी क्या, कहाँ आपके पथरी है, कहाँ गिल्टी है, कौन सा आपके अंदर बच्चा है, गर्भवती के अंदर लड़की है या लड़का, वाओ, साइंस गुरु का आविष्कार ये बता सकता है, वो उनसे भी बड़े गुरु है, सोचो। हालेलुया। सोच कर देखो फिर। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं कि हम गुरु हैं, इन लोगों ने कहा नहीं, परमात्मा के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए लोग उनको नहीं मानते।
जबकि उनसे पावरफुल चीजें वो कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने बताया हम गुरु हैं, उन्होंने ऐसे कपड़े डाले, ऐसी चीजें पेश करके दिखाई, परमात्मा की बातें की, इसलिए लोग उनकी बातें मानते। लेकिन अभी ध्यान दो, आज हम बाइबल में परमेश्वर के वचन में यह देखेंगे भक्ति। एक पंजाबी का बाइबल लाओ, वो वाला जो पुराना बाइबल होता था, ठीक है, जल्दी से एक पंजाबी का बाइबल, जो पुरानी बाइबल होती थी ना, जिसमें वो जैसे गुरमुखी लिपि जैसे शब्द होते हैं, वो वाला बाइबल लेकर आओ मेरे पास। एक वचन पढ़ो, अभी पढ़ेंगे हम, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए आज। हाँ ये पढ़ दो, मैं पढ़ देता हूं, ठीक है, यहां से एक वचन, ये देखो, ये यहां से पढ़ते हैं 4:24, मैं पढ़ता हूं यहां से, मेरे पास आ गया ये वचन, यूहन्ना निकालो 4:24, ये देखो क्या लिखा है यहां पर, परमेश्वर आत्मा है, जिसने सृष्टि रची, जानते वो कौन है, वो एक स्पिरिट है, कोई उसे जानवर समझकर पूजा कर रहा है, कोई उसे पत्थर समझकर पूजा कर रहा है, कोई फोटो, कोई कुछ, लाखों तरह अलग अलग तरीके, एक्चुअल में जिसने दुनिया रची है वो एक स्पिरिट है, आत्मा। हालेलुया, ध्यान दो अच्छा वाला, भी अगर बचना है और आगे बढ़ना है, तुम लोग इतने ताकतवर परमेश्वर के पास अगर ये छोटी छोटी चीजों के लिए रो रहे हो, तरस रहे हो, मुंडा मंदानी कुड़ी, छोटी छोटी बातें, क्या है ये प्रॉब्लम, बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए आप किसके साथ हो। सबसे पहले ये बात, ये देखो, तो यहां पर सबसे पहले यह सीख लो कि परमेश्वर आत्मा है, अते जो ओदी भगती करते हैं उन्होंने चाहिदा है पई ओह आत्मा अते सच्चाई नाल भगती करन। ये है खुदा का नियम, भक्ति ये है। अब क्लैरिटी देता है इस भक्ति के बारे में, और ये पूरे संसार में फैलाने वाली बात, हर मनुष्य तक जाने वाली बात है। सुनो ध्यान से, अब आपको ये सीखना है कि परमेश्वर आत्मा है, और लिखा परमेश्वर की जो भक्ति है वो आत्मा और सच्चाई से होगी। सच्चाई क्या है? परमेश्वर आत्मा है, ये सच्चाई है। उस आत्मा से यीशु पैदा हुआ, कवारी लड़की के अंदर गर्भ धारण हुआ। वाय, क्योंकि पूरी दुनिया पापी, हर मनुष्य पापी है, पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है, परमेश्वर से कभी मिलाप नहीं कर सकता, कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि उसके जो परस्पर विचार है, चाहे वो 100 साल पुराना बंदा हो, चाहे वो 1000 साल पीछे ले जाओ, तब भी उसके विचार जो थे वो पाप के थे। ये पाप कभी बंद नहीं हो सकता, पाप करना इंसान कभी बंद नहीं कर सकता। एक दिन में आजकल के नौजवान लड़के रात दिन उनके दिमाग में गलत चीजें चलती रहती है, जो संसार में पाप चलता है उनके, जिसका फ्रेंड है उसके लिए सोचती रहती, जिसकी गर्लफ्रेंड है वो उसके लिए, मसीह में नहीं है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसी चीज नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ है, या शादी अवेलेबल है वो हो जाएगी, बोलो शादी अवेलेबल है खुदा की ओर से, तुम वो करवा सकते हो। लेकिन अभी ये ध्यान दो, सब पापियों के लिए यीशु मसीह आत्मा से पैदा हुआ, हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे पापों के लिए प्राश्चित किया, हमारी मौत को उसने लिया सजा को, और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ, और लिखा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं अनंत जीवन पाएगा। यह बात सच्चाई है। इस बात को लेकर जो विश्वास करता है उसको पवित्र आत्मा मिलता है,
वाई, क्यों पवित्र आत्मा का मिलना क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि आपके पाप तो क्षमा हो गए, परमेश्वर ने क्षमा कर दिए, लेकिन आपके ब्लड में जो पाप है वो फिर भी रहेगा। आपका मन जो पापी करप्ट है वो कभी आत्मिक चीज नहीं करता, वो हमेशा गलत चीज करता है। परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, हम आपका शारीरिक मन कभी नहीं वो करेगा, कभी नहीं करेगा। बोलो, एक बड़े बाबा को जो डेरे का गुरु, उसको ये बात बताओ वो मानेगा नहीं, जबकि उससे माननी पड़ेगी एक दिन, तभी उसका उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। नहीं तो उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उद्धार का काम उस परमेश्वर ने किया, यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करके। तो अब यह विषय है कि पवित्र आत्मा का यह काम है कि आपके मन के अंदर काम करे। इसीलिए तो यीशु में आकर भी लोग पाप करते हैं, यीशु में आकर भी आपके परस्पर विचार पापी हैं, गुस्सा, क्रोध, नशा, गलत चीजें। लेकिन जब पवित्र आत्मा काम करेगा आपके अंदर, आपके मन के अंदर, आपको परमेश्वर की इच्छा में चलाएगा। वो जो परमेश्वर चाहता वो पवित्र आत्मा आपसे करवाएगा। ये है परमेश्वर की भक्ति। हालेलुया। जो इंसान अपने बनाने वाले की इच्छा में चलना शुरू हो गया, उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने लगा, इसे कहते हैं भक्ति। ना के तस्वीरों, मिट्टी, पत्थर, जानवरों, इंसानों की पूजा या कोई चीज को ऐसे मुंह में बोलते रहना, ये भक्ति नहीं। भक्ति ये है जो खुदा कह रहा है। तो चेक करो आपका जीवन ये है। अगर आपका जीवन उसकी इच्छा में चलने वाला नहीं है तो आपकी भक्ति नहीं है। आप खाली स्वार्थ से यहां आते हो क्योंकि यहां की गवाहियां देखते हो, यहां काम देखते हो, या देख रहे हो वहां खुदा काम करता है, चिंगाइयां होती है, बड़े बड़े रोगी ठीक होते हैं, 18-18 20-20 साल में जिनको बच्चा नहीं हुआ वो हो जाता है, कैंसर तक के रोगी आजाद हो जाते हैं। तो ये सोचकर आप लोग यहां आते हो, आप सोचते हो उसको वीजा मिल गया, उसको घर मिल गया, उसको बरकत मिल गई, तो ये सारी चीजें देखकर आप रहे हो, असली मकसद से नहीं आ रहे। असली मकसद, अगर असली मकसद आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ तो तुम इतना बड़ा लाभ नहीं ले पाओगे जो आपके लिए रखा है। हालेलुया। तो ये पॉइंट को भूलना नहीं। अब हम आगे चलेंगे अब पवित्र आत्मा के प्रबंध में, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, पवित्र आत्मा का प्रबंध। इसके लिए मैं आपको एक कुलसियों से भी वचन पढ़ाऊंगा। कुलसियों से परमेश्वर ने एक वचन बताया है, इसका 2:22 ऐसे लिखा है। थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मैं यहां से ही पढ़ाऊंगा आपको। ये वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। नहीं, मैं और पढ़ा देता हूं आपको थोड़ा ऊपर से, 21 में लिखा है। चलो 20 से पढ़ देते हैं, हम आपको पूरा समझ आ जाएगा। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चकना, उसे ना हाथ लगाना? ये जो ज्ञान है ऐसा, ये संसार में आपको जो मनुष्य ऐसे जो गुरु बन गए, मनुष्य, संसारिक मनुष्य, ठीक है, तो वो बातें बताते हैं, ये ना खाना, वो ना खाना, ये ना करना, वो ऐसे शारीरिक चीजें, बहुत सारी ऐसे बातें, अलग अलग दुनिया में अलग अलग ज्ञान। लेकिन यहां पर क्लैरिटी क्या है, यहां पर क्लैरिटी क्या है लिखा, ये सब वस्तुएं तो लाते काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है।
इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार घड़ी हुई भक्ति की रीति मनुष्यों ने अपनी अपनी भक्ति बना ली। अगर मालिक एक है तो उसकी भक्ति का जो नियम है सब मनुष्यों के लिए एक ही होगा या अलग अलग होगा? एक ही होगा। अगर वो जो नियम देगा वो एक ही है। मनुष्यों ने अपने अपने तरीकों से जो किया वो मनुष्य का काम है। और परमेश्वर ने यहां बता दिया, परमेश्वर ने कहा इनमें अपनी इच्छा के अनुसार घड़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता। आत्महीनता समझते हो क्या होता है? बिना आत्मा से जीना, इसे बोलते हैं आत्महीनता। अगर तुम लोग भी आत्मा के बिना जियोगे तो तुम भी आत्महीनता हो। तुम शरीर में हो। एक व्यक्ति जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाएगा वो आत्मिक नहीं है, वो शारीरिक है। जिसने पवित्र आत्मा का दान पाया वो आत्मिक है। हालेलुया। आगे लिखा, और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। आप जानते हो मनुष्यों को जो भक्ति है वो योगा योगाभ्यास के अनुसार कराई जाती है। जैसे ऐसे छोड़ो सांस खींचो, ऐसे भक्ति, इसको योगाभ्यास कहते हैं। बोलो, ऐसी भी भक्ति है, ऐसे लिखा है। शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ लाभ नहीं होता। कोई मनुष्य की बनाई हुई भक्ति मनुष्य को बदल नहीं सकती, उसको लड़ने झगड़ने से रोक नहीं सकती, उसको गंदे कामों से नहीं रोक सकती, लालच से स्वार्थ से नहीं रोक सकती, उसकी शारीरिक अभिलाषाओं से कभी नहीं कोई रोक सकता। सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, सिर्फ ओनली पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो समझ आया कि नहीं आया? अभी हमने इस बात को तो समझ लिया, लेकिन आप लोगों को यह समझना चाहिए, दूसरा करंथियां 5 अध्याय में परमेश्वर ने यह वचन दिया था कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा सिरजा, तब तुम क्या हो? नई सृष्टि हो, नई। लेकिन अभी मैं कुछ बातें आपको पढ़ाना चाहता हूं। अगर आप पहला कुरंथियां पढ़ोगे, पहला कुरंथियां, तो वहां पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा ज्ञान है। पहला कुरंथियां 1 अध्याय 2 अध्याय में, ठीक है? इधर देखो ध्यान से, आपको समझना है बस। मैं नंबर बोलता जाऊंगा, इंटरनेट पर पढ़ा रहेगा, घर में जाकर सारा नोट कर लेना, दोबारा सुनकर सारी चीजें कर लेना, लेकिन अभी आप लोग बस सीखो, समझो। अगर आप पहला कुरंथियां 1:18 पढ़ोगे तो यहां पर लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यहां पर पढ़ोगे तो लिखा, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, जो तुम्हें योगाभ्यास का ज्ञान दे रहे, जो तुम्हें पत्थरों की पूजा, उस पर पता नहीं दूध ऐसी चीज करो, जो खाने की चीज है वो बहाओ, वेस्ट करो, जानवरों की पूजा अपने अपने तरीके, ऐसे ज्ञानवानों के ज्ञान को मैं नष्ट करूंगा और जो चलाक है उनकी चलाकी को तुष्ट कर दूंगा। परमेश्वर कहते, अगर यहां से पढ़ोगे 20:21, तो परमेश्वर ने कहा, मैंने संसार के ज्ञान को क्या मूर्खता नहीं कहा? यहां पर 26 से परमेश्वर ने कहा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत क्लीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर ने क्यों मूर्खों को, ऐसे लोगों को, लोग बोलते हैं चर्च में वो लोग जाते हैं जो सारे मूर्ख है, अनपढ़ गवार है, गरीब गुरबे लोग, ऐसा ताना मारा जाता था चर्च के लोगों, क्या वो इंसान नहीं? क्या उनकी कोई लाइफ नहीं? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं?
कहते चर्च में कोई अच्छे लोग, अच्छा अच्छे उनके हिसाब से बातें, संसार के ज्ञान की बातें। वो कहते हैं चर्च में वो लोग जाते हैं जो नीच, छोटी जाति के लोग, नीची जाति के लोग, ऐसे बोलते। क्या वो इंसान नहीं है? इंसान है, परमेश्वर के बनाए हुए, सोचो। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने इसलिए उन्हें बुला लिया, ऐसे लोगों को भी जो नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, क्लेश करते थे, गंदे काम करते थे, ताकि उनके द्वारा मैं उन लोगों को लज्जित कर दूं जो अपने आप को ज्ञानवान समझते। लेकिन ये कब होगा? ये चीज कब होगी? खाली सुनने से, खुश होने से, हाँ मेरे लिए लिखा है, मैं छोटी जाति से हूं, अच्छा ये मेरे लिए लिखा, हाँ हाँ बस खुश हो गए दो मिनट के लिए, तब होगा ये? नो, जब तुम्हें पवित्र आत्मा का प्रबंध समझ आएगा तब होगा। आप बोलो हालेलुया, आप तारीफ करो परमेश्वर की तालियों से, आप करने वाला काम। उस बात से तो खुश हो गए, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा का प्रबंध तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगा, तुम्हें इसकी नॉलेज नहीं है पवित्र आत्मा के प्रबंध की, तब तक तुम खुश भी नहीं हो, खुश भी नहीं हो। अगर वो प्रबंध समझ आ गया तो तुम बलवानों को, निर्बलों को चुन लिया बलवानों को लज्जित करने के लिए, मूर्खों को चुन लिया ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। बड़े बड़े ज्ञानी, अगर तुम बड़े आगे बढ़े तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे, याद रखना। क्या तुम इतना बढ़ना चाहते हो? मैं तैयार हूं तुम पर वो मेहनत करने के लिए, तुम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, तुम लोगों को अगुआ तक तैयार करने के लिए। तुम में से कितने अगुआ बनकर सेवा करना चाहते हैं? अवेलेबल है, हम रेडी करेंगे आपको। मेरी कॉलिंग है इस चीज के लिए कि मैं लाखों अगुओं को तैयार करके ही पृथ्वी से कूच करूं, ये बात याद रखो। और ये मेरी कॉलिंग, बिना पूरे हुए मैं पृथ्वी से जाने वाला नहीं हूं, याद रखो। हालेलुया, तुम लोगों को आगे आना पड़ेगा अगर तुम बड़ी चीजें कर सकते हो। मैंने अपनी तैयारी को बढ़ा दिया और अपने बुलाए जाने को तुम्हें भी बढ़ाना होगा। मैंने इन दिनों में अपने बुलाए जाने को और ध्यान दे दिया, और ज्यादा इसकी तैयारी में बढ़ना शुरू कर दिया है। इसके रिजल्ट, इसके फल तुम लोगों को मेरे जीवन से में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े दिनों में, और ज्यादा। तुम्हें भी दिखाना है, तुम्हें भी बढ़ना है, तुम्हें भी आगे आना है। हालेलुया। तो ये बात हमने अभी पढ़ ली यहां से, लेकिन अभी हम और देखेंगे यहां से परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये तो होगी बात, लेकिन 2:10 में ऐसे लिखा, परंतु परमेश्वर ने, 1 कुरिन्थियों 2:10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। अगर थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे तो लिखा, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के मन में नहीं आई, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आमेन, ऊंचा करो। परमेश्वर का आत्मा वो बातें जो नहीं जानता प्रकट करेगा, जो तुम्हारी आंख ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे मन में कभी आया ही नहीं, पवित्र आत्मा वो प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है वो तुम्हारे लिए। इस दुनिया के ज्ञानियों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर की गूढ़ बातें नहीं बता सकते। तुम बता सकते हो दुनिया को, लेकिन तुम्हें आत्मा में बढ़ना होगा। तुम्हारे लिए वही आत्मा जो मेरे अंदर, तुम्हारे लिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब अधिकार दिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी, उनके अंदर जो पवित्र आत्मा ने काम किया, वो काम करने गए तो वापस आए आनंद के साथ, और उन्होंने कहा, प्रभु तेरे नाम के कारण दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। वो इतने खुशी आनंद से आए, और जानते यीशु मसीह ने उन्हें बड़ी बातें बताई, और यीशु मसीह ने ऐसे आसमान की ओर चेहरा उठाकर, मुंह उठाकर कहा, हे पिता
तेरा धन्यवाद, तूने इन बातों को ज्ञानियों पर नहीं बच्चों पर प्रकट किया है। हालेलुया। ज्ञानी नहीं समझ पाए वो बातें, क्योंकि वो ज्ञान के कारण अपने घमंड में आ गए, हम कुछ हैं। लेकिन वो बातें तुम्हारे लिए है गूढ़ बातें, लेकिन ये आत्मा से होगा। अगर तुम्हें ये पता नहीं कि अब रीति रिवाज कोई काम नहीं करता, अगर तुम आज भी है ना जैसे मटीरियलिस्ट चीजें यूज करते ना चर्च में, उन चीजों को पकड़कर अपनी चंगाई छुटकारे को पकड़े फिरते हो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे की नॉलेज ही नहीं, पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में ही कुछ नहीं पता। तो यहां पर क्लैरिटी दी, अगर 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे वचन पढ़ोगे तो यहां कितनी बड़ी क्लैरिटी है। तेने कहा मनुष्य के मन की बातें नहीं जान सकता, केवल मनुष्य का आत्मा, ऐसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जान सकता परमेश्वर का आत्मा। लेकिन तुम्हारे लिए परमेश्वर का आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि तुम उन बातों को जानो जो परमेश्वर ने दी है। लिखा शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में, उसकी समझ में वो मूर्ख की बातें हैं। संसार के लिए ये बातें मूर्खता ही, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ये गूढ़ बातें हैं खुदा की, गूढ़ बातें, सामर्थ को प्रकट करने वाली बात। इनमें तुम्हें बढ़ना होगा, इस प्रबंध में तुम्हें फोकस बनाना पड़ेगा, इस प्रबंध में तुम्हें प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, फिर तुम गूढ़ बातें, दर्शन, विजन्स, भविष्यवाणियां, ऐसे परमेश्वर के आत्मा से बातें, ये सारी चीजें कर पाओगे, ये अवेलेबल है, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं बस आए आई आगे ठीक है दो बड़ा बुरा हाल है। अरे क्या कर रहे तुम लोग, तुम्हारे लिए इतना बड़ा जीवन और छोटी छोटी बातों के लिए रो रहे हो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। सुनो ध्यान से, तो यहां पर परमेश्वर ने क्लैरिटी दे दी कि शारीरिक मनुष्य नहीं जानता परमेश्वर के आत्मा की बातें, वो ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी समझ में ये मूर्खता की बातें। वो सबसे सामर्थ्य, सबसे ताकतवर जीवन की बातें संसारिक मनुष्य के लिए मूर्खता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये पावरफुल होनी चाहिए ना, क्योंकि तुम बुलाए गए हो, तुम परमेश्वर के हो अब। हालेलुया। तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं यहां पर, तो यहां पर गलातियों 3 अध्याय में क्या हुआ, मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं यहां पर, क्योंकि मैं पिछले पार्ट में, पार्ट 1 थर्सडे में आप लोगों को समझा रहा था कि जैसे कई लोग चिंगाई तेल पानी कपड़ा है ना, जिसको कहते हैं इसमें प्रार्थना कर दिए उससे जाते हैं, ये प्रबंध नहीं है अभी, इसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन ये नहीं कि जो लोग ऐसा करते मैं उनके विरोध में हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एक आधा जगह पर जो पढ़ा है आप उसको पकड़कर इतना हाईलाइट इस चीज को क्यों कर रहे हो, इसे हाईलाइट करो, आत्मा को सबसे ज्यादा ऐसे करो। अगर वो हटा दोगे, इसी को एक को मेन को रखोगे तो लोग आगे बढ़ जाएंगे। बोलो, ये जरूरी है, याद रखो, ये पावरफुल है। तो अभी यहां पर आप जानते हो गलातियां 3:1 में क्या हुआ, 3:1 से लेकर अगर 5 तक पढ़ोगे तो बहुत पावरफुल बातें यहां। गलातियों के लोग सीधे पॉलस के द्वारा चुने गए थे, जैसे आप मेरे द्वारा, कितने लोग तो आप इधर से सीखकर बढ़ रहे हो ना, तो गलातियों के लोग पॉलस से सीखकर सीधा विश्वास लाए थे परमेश्वर के ऊपर, और शुरू से उसने उन्हें प्योर खालिस वचन दिया जिसमें रीति रिवाज नहीं था। लेकिन यहूदी लोगों ने आकर उन लोगों को प्रेरित की बुराई की, प्रेरित पॉल की, जैसे हो सकता है आप लोगों को कोई मेरी बुराई करके परमेश्वर से दूर कर दे, और नहीं नहीं ये पास्टर सुबह होना पता नहीं कड़ियां अपनी गल्ला मारता रहता,
तेल पानी भी हुंदा है, सारा कुछ हुंदा है, ये कड़ी गल है? आपको कोई भी गुमराह कर दे, ये नहीं वो नहीं, ये करो वो करो। लेकिन मैं ऐसे गलातियों के लोगों को आकर यहूदी अगुओं ने नेगेटिव कर दिया और उन्होंने कहा मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब तक तुम नहीं चलोगे तुम्हें उद्धार नहीं होगा, ऐसे उसने कहा लोगों ने। वो थोड़े थोड़े भटक गए, तब वो उनसे बातें कर रहा है, कहता हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? तुम लोग ये सीख लो कि तुम्हें कोई शरीर का प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना सारा प्रैक्टिकल पवित्र आत्मा के द्वारा करना है, सारा टोटल ए टू येड, पूरा का पूरा लाइफ तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा जीना है। यह प्रबंध है पावरफुल, यही वो समझा रहा था गलातियों को जो शरीर की रीतियां करने के लिए रेडी हो गए थे। यहां पर एक बड़ी बात वो कर रहा है चार में, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता है, जिसने तुम्हें आत्मा का दान दिया वो तुम्हें सामर्थ के काम करता है आत्मा के द्वारा। ये बात कर रहा हूं, वो कहता है जिसने तुम्हें आत्मा दिया वो आत्मा से सामर्थ के काम करता है, क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार विश्वास से ऐसा करता है? कितनी क्लैरिटी, हालेलुया, कितनी जबरदस्त क्लैरिटी है यहां पर। तो मैं तुम लोगों को आ ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पवित्र आत्मा के प्रबंध की, क्योंकि जो आपका मन है पुराना जीवन पाप का जीवन वो बार बार काम करता है, उससे परमेश्वर की भक्ति करोगे मन से अपने शरीर से चलोगे? कितने लोगों को आत्मा से चलना नहीं आता? अगर मटीरियलिस्ट चीजों का विश्वास करोगे तो आत्मा कहां काम करेगा? यही तो बात हो रही है, तुम्हें सारा फोकस आत्मा पर बनाना पड़ेगा, वो तुम्हारा सहायक है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, उसने बताना शुरू किया मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ रहेगा, वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा, सब बातें याद कराएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जब तुम लोगों के बीच में जाओगे तो चिंता मत करना क्या बोलना है क्या कहना है, उसी समय उसी घड़ी तुम्हें पवित्र आत्मा बताएगा क्या बोलना है। सोचो कितनी बड़ी बात, लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस प्रबंध का बड़ा विषय हमारे अंदर काम नहीं कर रहा। आप जानते हो जो लोग बार बार विश्वास में गिरते हैं, कभी संगति में आते हैं कभी नहीं आते, क्योंकि वो शरीर से आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे। जो बार बार घर में झगड़ा करते, बार बार कई चीजें गलत करते, वो शरीर में आत्मा से नहीं चलते। जो पाप करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आत्मा से नहीं चलते, शरीर से चलते। जब तुम कॉन्टिन्यू आत्मा में चलोगे पूरी तरह से, फिर तुम्हारे अंदर पाप काम नहीं करेगा। और ये परमेश्वर का वचन कहता है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तुम्हारा मन करप्ट है, तुम्हारा जो मन है, बाइबल ये कहती है मन सब चीजों से धोखा देने वाली चीज है, उसमें असाध्य रोग लगा, मतलब उसमें पाप है, पाप काम करता है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। यहोवा उसे जांचता है, उसने अपना काम पूरा कर दिया जांचने का, उसने आत्मा दे दिया तुम्हारे, तुम्हारा मन, अब आत्मा काम करे तुम्हारे मन में। जब आत्मा काम करेगा तुम कभी गलत नहीं सोचोगे, तुम्हारे मन में पाप काम नहीं करेगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, गंदे थॉट्स नहीं आएंगे, दर्शन आएंगे, विजन्स आएंगे,
आत्मिक बातों से मन भर देगा पवित्र आत्मा, ये होगी असल लाइफ, ये होगा असल जीवन। जब आप अफिसियों 3 अध्याय उसका 16 से लेकर 19 तक पढ़ोगे तो वहां पर पता क्या लिखा, वहां पर ऐसे लिखा, मैं पढ़, ऐसे मेरी तरफ देखो, अफिसियों 3 अध्याय 16 से लेकर 19 तक ऐसे लिखा है कि तुम उसके आत्मा का दान पाकर ये समझने की शक्ति पाओ अपने भीतरी मनुष्यतम में कि उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है। हालेलुया। अरे परमेश्वर कितना बड़ा है, उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई कैसे पता चलेगा? मैं इस रुमाल पर प्रार्थना करके दे दूं इससे चल जाएगा पता? इस फोन पर प्रार्थना करके दे दूं चल जाएगा तुम्हें पता? कैसे बोलो? वो होगा पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से गूढ़ बातें जान सकते हैं। हालेलुया। आप जानते हो प्रेरित पॉल अफिसियों के लोगों को कहता है, कहता मेरी प्रार्थना है कि तुम उस परमेश्वर के आत्मा के दान को पाओ ताकि उस आत्मा से तुम्हारे मन की आंखें ज्योति मैर हो। क्यों ऐसे कहता? तुम्हारे मन की आंखें ज्योति मैर हो, तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए कि तुम जान सकोगे उसके बुलाने की आशा क्या है। शरीर में क्यों निराशा है? क्यों शरीर में निराश निराश नाश रहते कई लोग? क्योंकि शरीर का जीवन यही है। पावरफुल चीज, पावरफुल प्रबंध है खुदा का हमारे लिए, और हमें इसकी पहचान ही नहीं, हमें इसकी समझ ही नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया ये प्रबंध? ये अभी कई हफ्तों तक टीचिंग चलती रहेगी, लेकिन मैं आज आप लोगों को बस ये समझाना चाहता था, भक्ति भी हमारी आत्मा के द्वारा है, उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ समझना। एक चीज मैं तुमको बड़ी चीज समझाना चाहता हूं, अभी ये पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 4 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं क्या लिखा। देखो, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आगे क्या लिखा 7 में देखो, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। कितनी बड़ी बात! और कितने लोग हैं यहां जिनके पास आत्मा ही नहीं? कितने लोग हैं आत्मा पाया पर कोई विषय ही नहीं अंदर? बाइबल में लिखा किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए क्या दिया जाता है? आत्मा का प्रकाश। बिना आत्मा से कुछ नहीं होने वाला। आगे पढ़ोगे, सामर्थ के काम, अद्भुत काम, भविष्यवाणियां, चंगाइयों का दान, अनेक प्रकार की भाषा, भाषा का अर्थ, ये सब उस आत्माओं से होना, उस आत्मा से होना, और किसी मटेरियल या चीज से नहीं होना। ये काम किससे होना है? तो परमेश्वर ने इसलिए दिया आत्मा। हालेलुया। चेक करो उस आत्मा से क्या क्या है मेरे अंदर, उस आत्मा से क्या क्या मैंने पा लिया, क्या क्या मेरी जिंदगी में बढ़ गया। नहीं तो फिर आज से स्टार्ट कर दो। ऊंचा बोलो आमेन। हालेलुया। क्या तुम सोए हुए कि इस बात पर तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है? अरे बिना आत्मा से जिंदगी जियोगे तो हमेशा ठोकर खाओगे, बिना आत्मा से चलोगे तो निराशा में रहोगे। आत्मा के बिना कोई काम होने वाला नहीं है परमेश्वर का। आत्मा के बिना चिंगाई ले भी ले, मेरी प्रार्थना से चिंगाई हो भी गई, फिर बीमार हो जाओगे बिना आत्मा से, फिर वही हालात बन जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं होता लोगों के साथ?
बोलो होता है ना, मैं आत्मिक उन्नति से आता हूं, लोगों पर लैंड करता हूं, प्रार्थना करता, लोग हील हो जाते, लेकिन आत्मा से नहीं चलते, फिर बीमार हो जाते कई लोग। वाई? ये सच्चाई है। ऐसी बातें तुम्हें यहीं सुनने में मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसी बातें नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं हमारी मिनिस्ट्री की वैल्यू कम ना हो, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है सच्चाई बोलना और सच्चाई प्रकट करना, क्योंकि ऐसा हर जगह हो रहा है, हर जगह पूरी दुनिया में मसीह लोगों के साथ हो रहा है। फॉरेन से लोग आते हैं, हमें कहते हैं हम बॉर्न क्रिश्चियन है, हम 20 साल से प्रभु में जुड़े हैं, हमने 100 अगुओं से प्रार्थना करवा ली है, ये करा लिया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं। देखो हम तो मिलते हैं, हमें पता है, क्योंकि वो आत्मा के बिना जिंदगी जी रहे, उन्हें सही कानून में अंदर चलना नहीं आ रहा। लेकिन मैं बिलीव करता हूं आज के बाद तुम इस शिक्षा को ना, इस शिक्षा को हम काट कर भी अलग डाल देंगे। हर हफ्ते बाद सुना करना, हर हफ्ते बाद, एक घंटे की होगी, हर हफ्ते बाद फिर लगा कर एक दिन सुनना। यस यस यस, इसके कई पार्ट बन जाएंगे, 8-10 पार्ट बन जाएंगे इन शिक्षाओं के, क्योंकि अभी हम लोग आने वाले थर्सडे और आने वाले संडे जो मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या मीटिंग का नाम है वो? अनॉइंटिंग बाय होली स्पिरिट, ये मीटिंग करेंगे हम। बोलो, हम ये मीटिंग नहीं करेंगे अनॉइंटिंग ऑयल है ना ऐसा करके या कुछ दूसरी, हम करेंगे अनॉइंटिंग बाय होली स्पिरिट, ये वाली पावरफुल मीटिंग करेंगे, और इसका ज्ञान भी पावरफुल होगा आपके लिए इस थर्सडे और संडे। तो आज का टॉपिक आपके अंदर आ चुका है, आज का पावरफुल ज्ञान आपके अंदर आ चुका है, इसमें आज से लग जाओ। सुनो, तुम्हें परमेश्वर के सामने ऐसे रखना है, पवित्र आत्मा मुझे चला, अब मेरे लिए हो, मेरे सहायक को, मेरे मन में काम कर, मेरी बुद्धि में काम कर, उसे उसे रोज रोज अपने आप को सौंपो, उसे काम करने के लिए अनुमति दो, अपने मन को परमेश्वर के सामने रोज रखो, फिर देखो काम होते या नहीं होते, देखो आप आत्मा के द्वारा चलते या नहीं चलते। आप जानते हो बाइबल में लिखा, तुम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि तुम जो प्रार्थना करोगे शरीर से वो दुर्बल है, कमजोर है, लेकिन बाइबल में लिखा आत्मा जब प्रार्थना आपके अंदर करता है तो आप परमेश्वर की मनसा के अनुसार करता है, आत्मा के द्वारा प्रार्थना। सोचो, तुम्हें आत्मा ही सारी चीजें कराएगा, आत्मा ही तुम्हें सिद्ध करेगा। कोई बंदा सिद्ध बन ही नहीं सकता अपने आप से, वो पवित्र आत्मा से बनेगा। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय आज से अपनी जिंदगी में पकड़ लो, आज से स्टार्ट कर दो प्रैक्टिकल आत्मा में। मैं मेरे पास आत्मा है, वो मुझ में काम कर रहा है, मेरी सोच में, मेरे मन में, उसे काम करने दो, प्रैक्टिकल करो। जब भी आप ये प्रैक्टिकल करो, विचार आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर ध्यान ना दो। गलत चीजें आपके अंदर आ रही है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, क्योंकि शरीर में देखो, जब तुम आत्मा में आ गए ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी तुम्हें डाउन नहीं कर पाएगी, तुम्हारे विश्वास को डाउन नहीं कर पाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा हालात तुम्हें डाउन नहीं कर पाएगा जब तुम आत्मा में आ जाओ। तो वो तुम्हारा खड़ा रहना, फिर तुम्हारी जीत होगी, जीत, तुम जीतते जाओगे, जीतते जाओगे। और मैं विश्वास करता हूं तुम आज से ये प्रैक्टिकल करो, आज से स्टार्ट हो जाओ, आज से जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु मसीह को मन से ग्रहण कर लो, उसे अपना प्रभु करके ग्रहण कर लो आज से, तो पवित्र आत्मा का दान है। जो यीशु मसीह को पूरी रीति से प्रभु करके ग्रहण कर लेता है, उसके लिए पवित्र आत्मा अवेलेबल आ जाता है। ऐसा नहीं पवित्र आत्मा नहीं है। एक बहन को मैं मिला, वो कहती मैं इतने सालों से मेरे पास, हाँ वो वहां थी इटली में, हमने जूम मीटिंग की थोड़े दिन पहले, वो कहती मैं इतने साल प्रभु में थी, मुझे पता ही नहीं था आत्मा मेरे पास नहीं है, मैं मांगती रहती थी, आपकी शिक्षा से मुझे पता चला मेरे लिए आत्मा है, उस दिन से मैं अन्य भाषा भी अब कर रही हूं। हालेलुया। जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है मन से, अपने पापों से तौबा करके कि अब मैं पाप की जिंदगी नहीं,
आत्मिक जिंदगी खुदा के साथ जीऊंगा, तो फिर पवित्र आत्मा आपके लिए है। तो जब पवित्र आत्मा आपके लिए है, पवित्र आत्मा आपने पा लिया है, तो आज से फिर प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो। आज से रेडी स्ट्रॉन्ग हर बात आत्मा काम कीजिए, आत्मा काम कीजिए। ऐसे आदत बना लो सोते समय, मैं सोने जा रहा हूं, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आप मेरे सपनों में काम कीजिए, अच्छी नींद को दीजिए, आप इतना काम कीजिए, आत्मा के साथ इतना जिए, इतना फोकस बनाओ, चंद हफ्तों में आप आत्मा से भरे नजर आओगे। ये जितने हफ्ते हम चलेंगे आत्मा के टॉपिक पर, ये आपको बदल देंगे यीशु मसीह के नाम, बड़ी जीत होगी आपकी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।